आपका प्रश्न है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्स एच के समांतर, देखिए एक्स एच के समांतर है तो आपको पता ही होगा उदाहरण में सब बताया गया है कि यदि एक्स एच के समांतर है तो जो आपका डीवाई बटा में डीएक्स आपका फाइंड होगा वह कितने के बराबर होता है, जीरो के। अब निकालना है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण, आपको निकालना है उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण। चलिए हम निकालते हैं कैसे होगा। अब स्पर्श रेखाओं का समीकरण का सूत्र आपको पता ही है वाई माइनस वाई जीरो इजकल टू डीवाई बाई डीएक्स, या इसको एम भी लिख सकते हैं यानी कि एक्स माइनस एक्स जीरो। वक्र आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, ये आपका समीकरण नंबर कितना लेंगे, चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए dy बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू, एक्स का गुणांक टू है तो इसका अवकलन होगा नहीं, d बाई डी एक्स सिर्फ x का अवकलन होगा, इसमें आएंगे तो माइनस d बाई डी एक्स किसा का थ्री का इजिकल टू, चलिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। यह आपका सूत्र होता है d बाई डी एक्स एक्स का पावर n का, या पहले घात होता है और घात में से एक माइनस हो जाता है, चलिए यहाँ से आ जाइए, वैसे पहले घात आ गया घात में से एक माइनस हो गया या प्लस, देखिए ये वो x नहीं है, x के साथ पे छोड़ा लेकिन y है, वास्तव में x नहीं है, इसको x मानेंगे तो पहले घात आएगा और घात में से घट जाएगा यानी कि y है तो y में से घटेगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा वाई, वाई में से यानी घात में से घटेगा वाई के घात में से दो में से घटेगा तो एक, चलिए अब जिसको एक्स माना है फिर उसका अवकलन, इस y को x माना गया है तो फिर डी वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटा में क्या डी माइनस टू गुणे एक्स का अवकलन वन माइनस इस अंग का अवकलन कितना हो जाएगा जीरो इजिकल टू जीरो, चलिए टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बटा में डी एक्स गुणा कर दीजिए माइनस टू एकम टू इजिकल टू जीरो, जीरो को छोड़ दीजिए यहाँ से, सभी को पाछंदर कर दीजिए उधर, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स को इधर जाने दीजिए इजिकल टू, इधर प्लस में है इधर माइनस में उधर चलेगा तो प्लस टू हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो टू, ठीक है, चलिए यहाँ से अब यह हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा टू माइनस टू एक्स बाई क्या टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स गुणांक टू वाई है तो ये गुणांक जब हटेगा इसका तो पूरा जो मान है ये वाला इसका बट्टा लग जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए इसमें से यानी कि टू कॉमन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा वन माइनस कितना एक्स बटा में टू वाई, दो से दो कट गया यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया इजिकल टू माइनस वन एक्स बाई क्या वाई, समीकरण नंबर कितना, चलिए यहाँ से एक्स एच के समांतर एक्स लिखेंगे चूंकि एक्स एच के समांतर है, जो एक्स एच के समांतर जो डीवाई बाई जो डी एक्स होता है वो कितने के बराबर होता है जीरो के, आपको उदाहरण में बताया गया है, यदि उदाहरण आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, डीवाई बाई डी एक्स कितना है माइनस एक्स बटा में वाई इजिकल टू कितना जीरो, गुणा कर दीजिए वन से इसमें गुणा हुआ तो वन माइनस एक्स इजिकल टू वाई से जीरो में गुणा जीरो, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस एक्स इजिकल टू इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस वन माइनस माइनस कर एक्स इजिकल टू कितना वन, एक बिंदु मिला वन मिल गया एक बिंदु, चलिए यही एक्स का मान जो है कि हम लोग समीकरण एक में रख देंगे तो वाई का मान निकलेगा, एक बिंदु मिल गया दूसरा बिंदु निकालेंगे एक्स बराबर वन समीकरण कौन में रखेंगे एक में रखने पर, चलिए रख दे रहे हैं समीकरण एक में एक्स का वैल्यू, एक्स की जगह पर कितना रखना है वन का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस वाई का मान निकालना है माइनस टू गुणे एक्स की जगह पर कितना रखना है वन माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, ये आपका हो जाएगा एक का स्क्वायर करें तो वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो एकम दो माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, चलिए दो और तीन
हो जाएगा माइनस पाँच, अब माइनस पाँच में से एक घट जाएगा क्योंकि एक का प्लस चिन्ह है, तो माइनस पाँच में से घटेगा तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना चार इजिकल टू जीरो। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा चार, तो वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में फोर, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना टू, प्लस माइनस कितना हो गया टू। एक्स के दो मान हो गए, यानी कि बिंदु आपका हो गया वन और प्लस माइनस कितना फोर। लिखेंगे यहां पर अतः स्पर्श रेखा का अभीष्ट बिंदु, स्पर्श रेखा का बिंदु कितना हो वन और प्लस माइनस कितना टू, यह हो गया आपका आंसर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।